हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर एकदम मस्त है सब कुछ और लाइफ एकदम टकाटक चल रही है। पूरी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में है, आनंद उत्साह की कोई कमी नहीं है। हो सकता है कुछ लाइफ में बुरी चीज़ें हैं, बट स्टिल आपने अपने जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको इतना अच्छा प्रिपेयर किया है कि आप बिल्कुल पॉजिटिविटी में जी रहे हैं। बच्चों, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं, बट बच्चों एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा काम है आगे बढ़ते रहना, अपने भविष्य को संवारने के प्रति रोज नए स्टेप्स बढ़ाते रहना। यही हमारा लक्ष्य है एज अ ह्यूमन, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ और नहीं कर सकते। दिमाग में अगर हमारे पॉजिटिविटी है तो लाइफ में पॉजिटिविटी आ ही जाएगी। बच्चों, ये ध्यान में रखिए और हमेशा बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा करने का जज्बा अपने अंदर रखिए। हो सकता है कि परिस्थितियां आपके विपरीत जा रही हों, बट स्टिल मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले आपको विनर ना अपने माइंड में बनना पड़ता है। बच्चों, अगर आपको सीएस का एग्जाम क्लियर करना है तो याद रखिएगा बच्चों, पहले आपको दिमाग में एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्चुअल एग्जाम क्लियर होंगे करेंगे। बच्चों बच्चों, एक बार आइंस्टाइन से पूछा गया कि कोई भी चीज़ आप जीतते कैसे, हाउ डू यू विन लाइक एवरी कंसेप्ट, तो उन्होंने बोला सबसे पहले शुरुआत मैं दिमाग में जीत नहीं करता हूँ, अपने दिमाग में। जिस चीज़ को मैं दिमाग में जीत लेता हूँ, मैं वो पूरा यकीन है कि वो चीज मैं रियल लाइफ में भी जीत जाता हूं। एनीवे बच्चों, ये चीज तो हो गई। बच्चों, मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, पांच चीजें जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए सीएस कोर्स में, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आपको जीवन में एक बहुत बड़ा सीएस बनना है, अपने सारे सपने, अपने सारे अरमान पूरे करने हैं, आपको एक 5 BHK का बड़ा घर खरीदना है, अगर आपको BMW खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, अपने माता पिता के हर एक सपने, हर एक अरमान की पूर्ति करनी है, तो पांच चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ठीक है, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये नेगेटिव लोग ऐसे हैं कि बच्चों अपने साथ एक वायरस लेके घूमते हैं। ये खुद तो जिंदगी में हारे हुए हैं, खुद तो बुरा फील करते हैं, बट ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये आपको भी बुरा कर रहे हैं। ऐसे ये ऐसे लोग हैं मालूम है, जिनके पास आप जाते हो तो आप ना बच्चों इनके पास, मतलब आपको चक्कर आ रहे हैं ना, तो आप इनके पास गए हो और इनके पास जाके आप मर जाते हो। मतलब ये इतने नेगेटिव लोग हैं, ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। तो पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेगेटिव लोगों से दूर रहना। दूसरा, अनइंस्टॉल ऑल द फालतू के ऐप्स। बच्चों हमारे, मैंने जैसे एक वीडियो भी की थी कि सीएस कोर्स में क्या हो गया ना बच्चों, कि लोगों को फालतू का ज्ञान इतना मिल रहा है, फ्री नोट्स इतने मिल रहे हैं ना, इसके चक्कर में बच्चे ना बच्चों बच्चे आजकल ना बच्चों मैं देख रहा हूँ बच्चे कम और नेता ज़्यादा बन गए। तो ये लोग बस बच्चों अलग अलग टेलीग्राम के चैनल पे बच्चों डिस्कशन ही करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। बच्चों हमेशा याद रखिए बच्चों, मेरी एक स्टूडेंट थी स्नेहा शिरके, देखिए शायद उन्होंने SBEC में ऑल इंडिया टॉपर था वो। बच्चों उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, दुष्यंत सर मैंने कसम खाई थी कि मैं व्हाट्सएप के अलावा कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगी अनलेस आई क्लियर माई एग्ज़ाम। व्हाट्सएप भी क्यों, क्योंकि व्हाट्सएप पे थोड़े बहुत इसेंशियल चीज़ें आती रहती हैं सर, आपके वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहते हैं और दुनिया भर के जो भी चीज़ सर, बट और मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही मैंने बहुत कम लोगों को ही ऐड किया है। तो स्नेहा शिरके देखिए, फिर रिजल्ट जिस दिन आया, जिस दिन वो दोनों ग्रुप पास हो गए एग्जीक्यूटिव का, उस दिन के बाद से, या एक ग्रुप पास हुई फिर एक ग्रुप बाद में पास हुई, उस दिन से उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी सारी फोटोज़ वगैरह अपलोड करना शुरू की। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। बच्चों यूट्यूब में भी आप प्लीज़, मैं आपसे गुजारिश करूंगा बहुत सिलेक्टिव कंटेंट ही देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे भी बच्चों बिलीव कीजिए बच्चों, मतलब एक फैकल्टी बोलेगा कि सीएस कोर्स में धमाका हो गया, बेहतरीन चीज़ हो गई, और उसके नीचे वो अपने वीडियो लेक्चर बेचने का वो चलाता रहेगा बच्चों। तो इस ट्रैप से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए बच्चों। ठीक है, मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया था कि मैं बहुत बेसिक वीडियोस बनाता हूँ बच्चों, लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं भी फालतू की चीज़ें करता हूँ तो प्लीज़ मुझे भी आप ब्लॉक कीजिए बच्चों। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि बच्चों ओवरलोड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हटा दीजिए बिल्कुल लाइफ से। तीसरी चीज़ है बच्चों, एक मैं आपसे कोशिश इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा, मॉर्निंग में मतलब लेट नाइट पढ़ना अवॉइड करके मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी पढ़ने की आदत डालिए बच्चों, क्योंकि जो लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं मतलब कंपैरेटिवली उनको, मैं ऐसा मानता हूँ कि मॉर्निंग में आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, बट स्टिल इसमें कई लोगों को ऐसा लगता है कि लेट नाइट में पढ़ाई करते हैं टाइम वो ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, बट मेरा सजेशन एज अ टीचर, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया मॉर्निंग में जल्दी उठ के ही किया है, तो मतलब एक चीज़ है रात को लेट तक जागना थोड़ा सा अवॉइड करें, जल्दी सोने का आदत डालिए। मेरी निंजा टेक्निक का एक वीडियो है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। चौथी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है बच्चों, चौथी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है चौथी चीज़ें हैं बच्चों, आपको ना अपनी फैमिली के साथ भी कम टाइम स्पेंड करना है।
बच्चों जितना टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे दैट्स रियली ग्रेट, बट बच्चों यहाँ पे भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। कई लोग फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड कर लेते हैं वो अपनी पढ़ाई की प्रायोरिटी भूल जाते हैं। तो फैमिली के साथ बच्चों यू नीड टू स्पेंड ओनली 3 आवर्स अ डे। 9 घंटे आपकी पढ़ाई के होने चाहिए, 3 घंटे आपकी फैमिली के मैक्सिमम है ना बच्चों, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से हॉस्टल वगैरह में तो आप रह नहीं रहे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं। तो 3 घंटे का टाइम, आपका घर छोटा है तो एक कॉर्नर बुक कर लीजिए और वहाँ पे पढ़ाई करते रहिए अपनी आँख में अपने कान में रुई लगा के। बट बच्चों फैमिली के साथ थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड कीजिए, मतलब करना अच्छी बात है बट अगर आपके एग्जाम सर पे हैं तो प्लीज़ आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड एक लिमिट में कीजिए बच्चों, ठीक है। तो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई जो चीज़ें आपको नहीं करनी। अच्छा, 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार आपको ना लिखने की आदत डालनी है, ठीक है। लिखने की आदत बहुत ज़रूरी है डालना, मतलब आपको ओरली पढ़ाई नहीं करना है, लिखने की आदत डालनी है। अगर आप 2 पेज पढ़ते हैं तो मेक श्योर कि 2 पेज का आप समरी, कम से कम 2 पेज आपने पढ़ लिया, 5 पेज पढ़ लिए, बट मेक श्योर कि आप 1 पेज अगर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 5 लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। और बच्चों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी आपको पता है थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थ्योरी को भी लिखने का आदत डालिए बच्चों। तो ये चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इन 5 चीज़ों से मेरे ख्याल से कि आपको एक दिशा मिलेगी कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा अच्छा स्कोर कैसे करें बच्चों। गॉड ब्लेस यू, लव यू बच्चों।